नमस्कार, मैं खुशबू राय। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आजकल अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका के अलग अलग शहरों का दौरा करके भारतीय डायस्पोरा को संबोधित कर रहे हैं और अपनी भारतीय राजनीति और अपने विचार साझा कर रहे हैं। उसी प्रोग्राम में किसी ने राहुल गांधी को पप्पू कह दिया। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दुनिया की सैर कर रहे हैं और उसी कड़ी में राहुल गांधी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा रविवार से शुरू कर चुके हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी पहले टेक्सास के डलास पहुंचे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर लिखा, मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और व्यावहारिक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। इसी बीच एक घटना घटी जो भारत में हंगामा कर रही है। जी हाँ, अपने बयानों से कांग्रेस और राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने वाले इंटरनेशनल ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का एक अमेरिका में दिया गया बयान परेशानी में डाल रहा है। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान टेक्सास में आयोजित एक कार्यक्रम में ऐसा बोला कि भारत में राहुल गांधी के विरोधी मजे ले रहे हैं। बात दरअसल ये है कि टेक्सास में सैम पित्रोदा ने अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि हम बड़े एजेंडे के साथ अमेरिका आए हैं। राहुल गांधी के पास एक विजन है जबकि सत्ता के पास विजन नहीं। वो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी की छवि खराब करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो पप्पू नहीं है, वो उच्च शिक्षित है, वो किसी भी विषय पर गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार है। बस इसी बात को बीजेपी ने पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर मजे लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी से जुड़े सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राहुल गांधी को समझना कभी कभी आसान नहीं होता। उनके गुरु सैम पित्रोदा कहते हैं, खैर ज्यादातर समय ऐसा ही करे, उनकी गलतियां ही ऐसी होती है जिनसे किंवदंतियां बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी मजे ले रही है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी को पटकनी देने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी एक खास रणनीति पर चल रहे हैं और वो रणनीति है धर्म की रणनीति, ताकि बीजेपी को उसी के पिच पर दौड़ाया जाए। और अभी तक राहुल गांधी और कांग्रेस सफल भी रही है। पिछले 3 महीने से बने सरकार की राहुल गांधी ने अपने भाषण से तेरही लगा दी है और अब हालत ये है कि मास्टर स्ट्रोक चाणक्य और ना जाने क्या उपमा से मीडिया द्वारा मोदी को परोसे जाने का अब भावार्थ खत्म है और मीडिया में अब सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी ने अपने पुराने भाषण का जिक्र अमेरिका में किया है और कहा है कि मैंने अभय मुद्रा का वर्णन किया। तो आपने गौर किया होगा कि ये निर्भयता का प्रतीक है और ये हर एक भारतीय धर्म में मौजूद है। जब मैं ये कह रहा था तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, वे नहीं समझते और हम उन्हें समझाने जा रहे हैं। दूसरी बात ये हुई कि लोगों के अंदर से भाजपा का डर गायब हो गया। हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कुछ ही मिनट में भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था, इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी धर्म को राजनीति में घुसेड़ कर बीजेपी के पसीने छुड़ा रहे हैं और अब बीजेपी इसका काट खोज नहीं पा रही है। देखना होगा कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं।